और 8 दिन से अतीक चल रहा है। मरना तो इंदिरा गांधी तो सारी सिक्योरिटी के बीच में मर गई थी कि मरना होगा मर जाएंगे। मैं तो जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था इस्तीफा जेब में रख के जाता था, अगर मेरे से एक बार भी मांगते। मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी, और 8 दिन से अतीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पर आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता, अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। अडानी वाला मामला जो है उससे प्रधानमंत्री को हाथ धोने पड़ेंगे, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट में भी वो बोले तो एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो, मोदी जी विल बी नो वेयर, उसी में हार जाएंगे। हमने जो इंतजाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे, उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ हुआ था रूट, जहाँ वो हुआ है घटना हुई है वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है, कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं, वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ, चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ, और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि एक दो चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है, अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता, कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका दो जगह मेरी वो आ गई थी बीट, मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता, और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइट ले लिया, और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे। और CRP कभी हमको अपने मूवमेंट रिपोर्ट नहीं करती है, पुलिस करती है। CRP अगर मुझे रिपोर्ट करती और कहती कि हमको जहाज़ चाहिए तो मैं आधे घंटे में 5 जहाज़ करा देता। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला, इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। कभी इच्छुक नहीं, मुझे कहा गया था कि अगर तुम किसानों पे नहीं बोलोगे तो राष्ट्रीय बन सकते हो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, पर मैं किसानों पे ज़रूर बोलूँगा। एक्चुअली आप जिसके नौकर होते हैं तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की ज़िंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी, जब था तो मुझे पूरे टर्म में एक गोली नहीं चलानी पड़ी। इन 3 चीफ मिनिस्टर्स को मैंने गिरफ्तार किया, कुत्ता भी नहीं भौंका, कोई शोर शराबा कुछ नहीं हुआ, तब बिल्कुल अमन चैन था, और टेररिस्ट भी श्रीनगर में आते हुए डरते थे। अब तो श्रीनगर में आके CRP पे हमला करते हैं। सर आप जनता दल में, सर आप जनता दल में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, BJP में रहे, आगे क्या इरादा है? अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। सर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष में प्राण फूंकने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं फूंक रहा प्राण, तो विपक्ष खुद चाहेगा तो फूंक जाएंगे। विपक्ष को सिर्फ इतना करना है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो, मोदी जी विल बी नो वेयर, उसी में हार जाएंगे। सोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं की। मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी, और 8 दिन से अतीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा। वो तो
सोशल मीडिया है वो उठाए हुए, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। दो साजिशें हैं सरकार की, खेती खत्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो ताकि किसान छोड़ भगे, और फिर इसको कॉरपोरेट को दे दो। इसी तरह से इनके बच्चे फौज में जाते थे, फौज को निरर्थक कर दो। अब ये बताइए, 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जाएगा? मजबूरी में नौकरी के लिए वो चला जाएगा, पर उसमें वो जज्बा होगा क्या जो होता है? सर, अमित शाह ने कहा है कि आप उनसे दूर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे कितना दूर हो चुके हैं, क्या कुछ? अमित शाह साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उनसे मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहता। उनकी जो एक मूल बात है, और वो ये है कि जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने ये बातें नहीं उठाई, तो मैं एक करेक्ट कर दूं, मैंने तब पुलवामा भी उठाया था, सेम डे उठाया था, अगले दिन उठाया था, कई बार उठाया था, और किसानों वाले मुद्दे भी मैंने जब मैं गवर्नर था तभी उठाए थे। तो ये गलत है कि मैं जब पावर से हट गया तब मैंने उठाया। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, नारा दे रही है, लेकिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पे बैठे। बहुत शर्मनाक बात है, और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा, बच्चियों से। कितनी मेहनत करके, कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका, और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया, तो वो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने MP को हटा नहीं रहे हो। तो जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था, इस्तीफा जेब में रख के जाता था, अगर मेरे से एक बार भी मांगते, चूँकि मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने ही मुझे बनाया, और ख़ास तौर से अमित शाह जी का इस्तीफा। लेकिन मुझे एक आध लोगों ने सलाह दी कि तुम बेवकूफ़ी मत करना, बिना मांगे मत देना, मांगे तो देना। देखिए, ये दो फाइलें नहीं थी, दो मामले थे, एक था इंश्योरेंस का और एक था एक हाइडल प्रोजेक्ट का। तो हाइडल प्रोजेक्ट में संघ का कोई आदमी नहीं था, हाइडल प्रोजेक्ट में जो आदमी था वो प्रधानमंत्री जी के काफ़ी नज़दीक है। वो मैंने उनको, उन्होंने मेरे से कई बार कहा था, भाई तुम उससे मिले नहीं मिले, हसीफ द्राबू उसका नाम है। तो मैं एक दिन मिल लिया, तो उसने फिर कहा कि आपने बड़ा बुरा किया, हमारा वो ख़त्म कर दिया, पर हम तो करा लेंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को दूसरे तीसरे दिन जब मिलने गया, तो मैंने कहा साहब वो मिल लिया मैं हसीफ द्राबू से, वो तो ऐसे ऐसे दलाली का केस ले रहा था, मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने ही सपोर्टेड में कि ठीक किया तुमने। दूसरा जो इंश्योरेंस का मामला था उसमें, और ये करेक्ट कर लें, आपके सामने कह रहा हूँ फिर आप कहेंगे, मुझे किसी ने कोई ब्राइब ऑफर नहीं की थी। मुझे अफसरों ने बताया था कि इनमें इतना रुपया है, इन दोनों केसेस में इतना रुपया इन्वॉल्व है, यानी किसी को मिलेगा। तो खैर वो तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए वो ना मिला ना सवाल उठा। लेकिन ये जो थे RSS वाले, अपने राम माधव जी, जिस दिन मैंने कैंसिल किया इंश्योरेंस वाला, उसके अगले दिन सवेरे बिना नहाए धोए मेरे घर आ गए, और मैं भी नहीं नहाया, 7 बजे थे। तो खैर मैं शिष्टाचार में उनसे मिला, मेरे को बताओ भाई सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा मैं तो कैंसिल कर दिया। कहीं चिट्ठी चली गई? मैं कभी पूछता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके पूछा कि उसकी चिट्ठी चली गई क्या? कहें जी वो तो रात ही चली गई। तो वो काफ़ी व्यथित हुए और चले गए। फिर बस इतनी हमारी बात थी, उन्होंने ना कुछ मुझे ऑफ़र किया ना मैंने उन्हें कुछ ऑफ़र, पर उनकी उसमें दिलचस्पी थी कि वो हो। खबरें तो ये चली थी 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था, 150-150 करोड़ था दोनों में, दोनों में 150-150 करोड़ था, और ये पूरे टॉक ऑफ द टाउन थी। ये ऑफर मिला था आपको जी? ऑफर आया था किसी? नहीं, मुझे नहीं आया किसी का, मैं झूठ नहीं बोलने का, किसी का ऑफर नहीं आया मुझे। मौजूदा परिस्थितियां उनके लिए कठिन है, उनको कुछ चीजों को करना पड़ेगा। एक तो अडानी वाला मामला जो है, उससे प्रधानमंत्री को हाथ धोने पड़ेंगे। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, पार्लियामेंट में भी वो बोले तो अडानी पे नहीं बोले हैं, उसको अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और ये पुलवामा पे भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, और एक्शन, अगर कोई जांच हुई है तो एक्शन लेना चाहिए। सुरक्षा कश्मीर की जो कमेटी होती है, उन्होंने लिखा था कि इनको यहाँ खतरा है पाकिस्तान के एलिमेंट से भी, लोकल से भी, और इनको Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अब एक, सिर्फ एक वो है PSO,
दैट्स ऑल। पर मैं उसकी शिकायत नहीं करता, वो समझेंगे बड़ा मैं डर गया। मरना तो इंदिरा गांधी तो सारी सिक्योरिटी के बीच में मर गई थी कि मरना होगा मर जाएंगे। सर जातिगत जनगणना, ये अपनी कौम पे फक्र है, वो अगर मेरे साथ जाती होगी तो वो जरूर रिएक्ट करेंगे।